हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबको मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई, आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके का होने वाला है कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने, वो भी किसकी, ऑडी की। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके वो जो डिस्क पैड होते हैं ना, जैसे हमारी वाली गाड़ी के हो गए थे, तो उस इसके भी मतलब डिस्क पैड घिस गए हैं। तो मतलब वही इसको ठीक करवाने जा रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल आराम आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हम फास्ट चले ना, तो इसकी जो प्लेट है ना, वो शायद ज़्यादा घिस जाएगी, तो उससे फिर वो खराबी के बाद जाके वो करवाना पड़ता है। तो हम बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं। तो आपको जो भाई कुछ इस तरीके की जगह पर पहुँच गया, ये अपना मतलब हाई कोर्ट के पास। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने फ़ोन यूज़ किया, क्या पता चलान ना हो जाए। तो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद के आगे का जो भी सीन है आप लोगों को बता। तो भाई यहाँ पे पुल के ऊपर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो फुल पावर निकल रहा हूँ। तो मतलब बहुत ही स्लो स्लो, मतलब मैं 11 बजे निकला था, तो मतलब इस टाइम पे अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक पता नहीं कौन सा पुल है यार, मेरे को नाम भी नहीं याद आता। जब जल्दी जल्दी में हो ना, तो बंदे को नाम भी नहीं याद आता। तो यहाँ पे पहुँच चुका कुछ इस तरीके की जगह, जो जम्मू वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कौन सी जगह। ठीक है, तो फ़ोन बिल्कुल ही कम यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कब कहाँ चलान कट जाए। तो यही दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। तो बाकी निकल रहे हैं फुल पावर, तो वहाँ पे पहुँचते हैं। जो कुछ भी रास्ते में होता है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ हो, जो भी होती है, वो आप लोगों को मैं वहाँ पे इस रोड पर पहुँच गए। बहुत ही मतलब मैंने टाइम दिया था 12 बजे का, और टाइम देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो भाई चक्कर सारा यही है इस रोड का। इस रोड में मतलब कि जब से ये पुल का काम लगा हुआ ना, तो मतलब कि इतना यहाँ पे रश होता है, इतना होता है ना, तो बंदा कोई मतलब जिसने जल्दी जाना हो ना, तो वो भी लेट हो जाता है यार। इसकी समझ नहीं आती कब तक बनेगा कब तक नहीं। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि यार जल्दी से ये कंप्लीट हो, बंदा जो भी है जहाँ पे, मतलब कि अगर बंदे ने यहाँ सतवारी से यहाँ पे जाना हो ना, अपना बड़ी ब्रह्मा तक, तो उसको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं यार। बहुत ही क्या बोले अब। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सीन है। इस तरीके की जगह पे पहुँचे अभी, अभी टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट तक कि फाइनली ऑडी वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अभी आगे से गाड़ी आ गई, एक निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आगे जम्मू ऑडी, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ बाकी क्या ही बोलें, कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है भाई, बंदा क्या क्या ही बोले, मुझे समझ ही नहीं आती यार। तो जितना भी बोलता हूँ भाई, प्रवा कर ले आगे थोड़ी, हमें रोकड़ो ना जाए। तो ये भाई पहुंच चुके हैं इधर, तो अंदर जाते हैं, जो बताते हैं आप लोगों को अंदर के क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे पहुंच चुका, आप लोग ये चेक कर सकते हो, एक ऑडी ये लगी हुई Q7। तो बाकी ये कुछ इस तरीके का शोरूम है। तो यहाँ पे अंदर जाएंगे, यहाँ पे वर्कशॉप, यहाँ पे अंदर जाएंगे, जो भी है सीन आप लोगों को बताएंगे। तो भाई मतलब यहाँ पे लग चुकी है गाड़ी, अब दिखाते हैं आप लोगों को जो भी सीन होता है। डीआर करने लगे हैं पहले इसका, कि क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता। तो भाई मतलब कि यहाँ पे ऑडी के शोरूम में पहुँच चुके थे, तो मतलब इनको मैंने बोला कि शूट करना है, तो ये कहते कि शूट नहीं भाई, हम कर सकते। तो भाई जितना भी होगा, जितना भी जैसे भी होगा, उतना मैं शूट कर लूँगा, बाकी प्रॉपर जो कहते हैं वो शूट नहीं मैं कर पाऊँगा। तो आप लोगों को मैं बिल भी बता देता हूँ कि गाड़ी के ऊपर मतलब कि कितना खर्चा हो गया अभी सिर्फ सर्विस की, सर्विस और डिस्क पैड जो उसके डलवाने थे। भाई सोचा नहीं था इतना हो जाएगा, पर आप लोगों को बताते हैं कितना हुआ। ठीक है, अभी मैं बिल बताता हूँ जो जो इसमें डला हुआ है पूरा। ये भाई कुछ इस तरीके की चिट्ठी है इसमें, इसमें सब कुछ मतलब दिखाया हुआ है कि मतलब जो जो पार्ट पड़ रहे हैं इसमें, तो ये इसके आगे रेट लिस्ट आ गए जो अमाउंट के, जितने जितने भी पैसे के ये होंगे। ठीक है, तो ये देख लो भाई, एस टी के 25,480। ठीक है, तो अभी आगे बताता हूँ आपको। तो ये आ गया आपका 57,022। तो ये टोटल मतलब कि लेबर चार्जेस 25,000 लेबर चार्जेस। ठीक है, वो टोटल आपका बन गया 82 कुछ के आसपास, ये अपना 82 के कुछ आसपास। ठीक है, तो टोटल इसमें GST वगैरह सब कुछ लगा के ना, आपका 1,133 रुपये। तो भाई फाइनली गाड़ी हो चुकी है। ठीक है, मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि इन्होंने अलाउड नहीं किया इन्होंने कि मतलब कि आप यहाँ पे शूट करो, तो मैंने किया भी नहीं, ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। तो मैंने थोड़ा सा जो भी बनाया सिर्फ मतलब एक प्रोसेस दिखाने के लिए कि मतलब ऑडी में कितना खर्चा होता है, कितना क्या होता है, और ये बिल भी मैं आप लोगों को साथ शेयर किया है। ठीक है, सीन कुछ ऐसा है कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रश है, इसलिए मैं फ़ोन कम ही यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोगों को ना ये थोड़ा अटैच मतलब कि ब्लॉग मिलेगा, मतलब
आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि मैं 2 दिन में अब ब्लॉक कर रहा हूँ कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो बाकी दिखाते हैं आप लोगों को अभी चौथे पुल के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो और डे टू। तो आज का जो भी है सीन, आज का कुछ सीन ऐसे है कि ओल्ड स्विफ्ट और एंड न्यू स्विफ्ट की हम कराएंगे एक ड्रैग रेस। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है ये, तो भाई ध्यान से देखना, एंड तक देखना जरूर, बड़ा मजा आने वाला। अब जाएंगे उनके पास तो करवाते हैं वीडियो शूट। लेके आए आपके लिए स्विफ्ट वर्सेस स्विफ्ट। ये भाई अपनी ओल्डर जनरेशन है, ये अपनी भाई न्यू जनरेशन। ये भाई ZDI टॉप एंड वेरिएंट है, ये अपना डीजल में है भाई। ये अपने स्विफ्ट की बात करोगे तो ये पेट्रोल में है। ये वीडियो होगी मेरा डीजल इंजन हो गया, तो थोड़ा वेट उसका लगा लो, थोड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है भाई नई स्विफ्ट से। तो भाई ड्रैग करके देखते हैं, बाकी एक बार आपको बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ पुरानी स्विफ्ट की। भाई कह रहा है तो ऐसी, पर इसकी थोड़ी सी भाई इस वाली की अगर आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत सही है। देखना भाई, खाली पूरा वो टीन की डब्बा नहीं होता, वो बज रहा है। बाकी करके देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वेट कम है इसमें, 150 kg, तो मेरे हिसाब से तो ये निकलनी चाहिए। बाकी उसमें भी एसी ऑफ और ट्रैक्शन तो आता नहीं, ट्रैक्शन तो दोनों में नहीं आता। नहीं नहीं बीच में आता तू, और जैसे कि मैंने बताया भाई ये डीजल हुआ है पेट्रोल, अब देखते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में थोड़ी सी अपने आगे थी, बराबर ही अब तो लॉन्ग में तो नहीं जाना देगी अब तो भाई। खैर बात करें इतना गैप नहीं था जितना हमने सोचा था, जितना दे देगी। एक 2 का हो गया था, 120 के बाद 2 का कितनी चढ़ गई थी हमारी, 150 हमारी, 150 140 140 प्लस होती थोड़ी सी वो होगी, काफी लगी। ये तो चढ़ जाती है, तो अब इस राउंड में एसी ऑन कर लेते हैं। नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया और खींच लेंगे थोड़ी। हाँ एसी ऑन कर लेते इस बार दोनों में, एसी ऑन कर लिया दोनों में, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है एक बार ऑन बजाना कैसा है, आइए बताओ। तो भाई 3 ऑन पे कर रहे हैं, इस बार तो स्टार्टिंग से चली गई, लेट लॉन्च हुई थोड़ी सी, निकल गई भाई निकल गई, अब तो ऐसे नहीं पड़ा भाई, अब तो ले गई, देखते हैं अब निकल भाई क्या हो रहा है, पूरा पंजा दाब रखा है। 130 अब तो लेगी, एसी ऑन करती काफी गया, एसी ऑन करते ही लेगी, देख लेते हैं भाई। और पर से इससे तो फर्क पड़ा, फर्क पड़ा, 3 बंदे से गियर भी बढ़िया लग गया, तीसरे में ले जाती है, तीसरे में निकल जाती है नई स्विफ्ट। अब भी साथ साथ ही है, साथ एक साथ है भाई, बिल्कुल साथ है, अब निकलेगी, 110 पे निकलेगी, 110-115 पे, देखते हैं। पिछली बार तो ज्यादा गैप दे दिया था, इस बार इतना नहीं देने देंगे, अब तो ले जा ही रही है, अभी जा रही है, निकल रही है, लेकिन थोड़ी सी दब गई वो बंदा बैठाते ही, दब गई, बहुत फर्क पड़ गया, वेट से फर्क तो पड़ गया उसमें, 150 पे ब्रेक लगते हैं, 150 इस राउंड में दब, फर्क पड़ गया बैठने से, बहुत फर्क पड़ा। हाँ तो अब एक काम करो, एसी में तो हार जाएगी, हाँ एसी में तो हार जाएगी, अब मैं बंद कर लेता हूँ, अब भी अगर हार गई ना मेरी फिर तो कोई फायदा नहीं, और कर लेगा यार देगी, अब दोनों सही लॉन्च हुई है भाई, साथ साथ ही, अब भी तीसरे गियर मिलेंगे, तीसरे गियर निकल जाता है नहीं, अब तो आपको साथ साथ ही है, उनका टक्कर लगा मुझे लग रहा है, मुझे उनका अटक गया, अटक ही गया, नहीं तो निकल जाती अब तक, तो चौथे गियर में ले गई,
चौथे में चली गई। 120 तक साथ ही है, ज्यादा गैप नहीं है। अब निकल गई, गई अपनी गई ना ना, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ। गई 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 140 150 और हटा के गया, गया 150। देखते हैं और खींचते हैं और खींचते हैं, 160 150। भाई साहब ये थे ड्राइव बिल्कुल साथ साथ, भाई ब्रेक नहीं लग रहे सही में, कम लग रहे हैं तेज में, ऐसे कम लगते हैं। अब वो हो गया ब्रेक, वो भी ब्रेक फिर ब्रेक फिर ग्रेस। चार राउंड कर लिए सारी, मतलब दो राउंड तो खैर एसी ऑन एसी ऑफ करके किए थे, दो इसमें बैठे थे दो इसमें बैठे थे, फिर उसके बाद दोनों राउंड यार की थी तो थोड़ी हमने एडवांटेज दे दी थी। इसमें तीन बिठा दी थी, इसका एसी ऑन कर दिया था, इसका ऑफ कर दिया था, तो सारी चीज़ करके देख ली। फिर इसके भाई जैसे इसका एसी ऑफ किया ना, मतलब एसी ऑन किया और इसमें तीन बंदे बिठा दिए, इसका एसी ऑफ, इसमें दो बंदे, तो ये थोड़ी दब गई थी। फिर अपनी अगर ट्रैक की बात करोगे तो साथ साथ ही, बाकी अगर सिंगल सिंगल या डबल की भी बात करोगे ना तो ये कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं दिखने देगी भाई डीजल को। तीसरा गियर जो इसका ना मिड भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी थी कुछ ड्रैग रेस। बाकी व्हील स्पिन आप देख सकते हो कितने हो रखे हैं भाई, ये सारे टायर के निशान हमारे हैं। तो ऐसी थी कुछ ड्रैग रेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू भाई, राम राम।